ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्रों में ज्येष्ठ मास अमावस्या तिथि का खास महत्व बताया गया है। इस अमावस्या को अखंड सौभाग्य का महाव्रत वट सावित्री किया जाता है। पितरों की शांति के लिए तर्पण पिंड दान किए जाते हैं। वहीं शनि देव का जयंती पर्व मनाया जाता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए साल का ये दिन बेहद खास है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवग्रह में शनि देव का प्रमुख स्थान है। इन्हें दंडाधिकारी कहा जाता है। ये जीव को उसके कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने उन्हें न्याय का देव बनाया था। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिश्चरी अमावस्या यानी ज्येष्ठ मास अमावस्या बहुत विशेष तिथि है। इस दिन शनिदेव का अभिषेक पूजन करने से वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को शांति प्रदान करते हैं। शनिदेव की कृपा से जीवन की कई तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस वीडियो में जिन लोगों पर शनि की साढ़े साथी और ढहिया चल रही है उनको क्या उपाय करने चाहिए इस बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं शनि जयंती पर्व कब मनाएं। 5 जून को शाम 7:54 पर शुरू होगी अमावस्या तिथि। 6 जून को शाम 6:07 पर समाप्त होगी अमावस्या तिथि। 6 जून को ज्येष्ठ अमावस्या पर मनाना शुभ होगा। 6 जून को शनि जयंती पर मनाएं। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ का महीना शनि देव की पूजा के लिए खास माना गया है। जो लोग शनि की साढ़े साथी और ढैया से पीड़ित हैं, उन्हें इस महीने शनि देव को प्रसन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर शनि देव की पूजा अवश्य करें, क्योंकि इसी तिथि पर शनि देव का जन्म हुआ था। शनि के आशीर्वाद से जीवन में तमाम तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है, बाधाओं का नाश होता है। शनि की महादशा के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साथी महादशा चल रही है। वहीं कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों पर ढहिया चल रही है। इन लोगों के लिए 6 जून का दिन किसी वरदान से कम नहीं, जब शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। आइए जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। ज्येष्ठ मास अमावस्या है शनि जयंती पर्व। सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर शनि उपासना करें, शनि देव का तेलाभिषेक करें, शनि देव को काले वस्त्र चढ़ाएं, काली उड़द, काले तिल और लोहा चढ़ाएं, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि देव के मंत्रों का जप करें, शनि अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करें, शाम के समय पीपल वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, गरीबों को खिचड़ी का दान दें, गौशाला में हरा चारा दान करें। जिन लोगों पर शनि की महादशा और ढहिया चल रही है उनके लिए 6 जून यानी शनि अमावस्या किसी वरदान से कम नहीं है। इस तिथि को शनिदेव प्रसन्न रहते हैं, उनकी कृपा पाने का इससे उत्तम दिन नहीं है। इसलिए शनि जयंती के दिन शांत मन से शनिदेव की उपासना कर शनिदेव की कृपा पाई जा सकती है। शनिदेव की कृपा से साढ़े साथी और ढहिया महादशा में बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। शनि की कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होंगी, नौकरी व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी, तो मना लीजिए शनिदेव को। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल न्यूज़ नेशन स्तुति।